शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल के डॉक्टरों और मरीजों के बीच बहस मारपीट अब आम बात होने लगी है। इस बीच मंगलवार को ऑर्थोपेडिक विभाग की ओपीडी इलाज में देरी को लेकर मरीज के परिजनों और निवासी डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि एक मरीज पिछले 2-3 दिनों से भर्ती है, लेकिन मरीज के पास कोई भी परिजन नहीं रुकता। इस वजह से डॉक्टरों को भी इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच निवासी डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि वे रात के वक्त रुकें और वरिष्ठ डॉक्टर से चर्चा करें, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिल सके। लेकिन परिजन डॉक्टर पर ही सवार हो गए। उनका कहना था कि मरीज के देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टर की है, इसी बात को लेकर बहस हो गई। परिजनों ने एक निवासी डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करते हुए तमाचा जड़ दिया। ओपीडी में मचे बवाल के बाद तुरंत ही महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों ने परिजनों को पकड़ लिया और उन्हें अजनी थाने लेकर गए, जहां डॉक्टर ने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी विभाग में एक ब्रदर के साथ मारपीट की गई थी। काल दिनांक 21/9/2021 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मधील डॉक्टर भूषण नवल साळुंखे हे ड्यूटीवर असताना त्या ठिकाणी संबंधित वार्ड मध्ये आरोपीचे नातेवाईक हे उपचार घेत होते आणि त्या ठिकाणी आरोपीजवळ इतर नातेवाईक नव्हते, म्हणून डॉक्टर आणि हा जो पेशंट आहे, पेशंटचा मुलगा, नामेताचं नाव आहे बिपिन सुरेश रणदिवे, यांच्यामध्ये वाद झाला आणि त्या वादातून आरोपीने डॉक्टरांना मारहाण केली, शिवीगाळ केली। त्याच्यावर पोलीस स्टेशन अजनी येथे गुना दाखल करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।